हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो वैसा कि आप सब जानते हैं, इस वीक का स्मैकडाउन होने वाला सर्वाइवर सीरीज के बाद का स्मैकडाउन, यानी कि यहाँ पर हमें कई सारे न्यू थिंग्स स्टार्ट होते हुए दिखेगी। एंड अब WWE का फोकस रहने वाला उनके नेक्स्ट पीपीवी जो कि है TLC, उसमें उससे रिलेटेड हमें इस वीक के स्मैकडाउन में काफी कुछ देखने को मिलने वाला है। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं सेवियर ऑफ स्मैकडाउन सेथ रॉलिंस से। तो अगर आप सब चैनल से जुड़े हुए होंगे, देन मैंने आप सबको बताया था कि सेथ रॉलिंस WWE से सर्वाइवर सीरीज के बाद ब्रेक लेने वाले बैकी लिंच की केयर करने के लिए। एंड होपफुली इस वीक के स्मैकडाउन में वो आपको शायद से देखने को ना मिले, बट अगर उनका ये आखिरी स्मैकडाउन होने वाला देन हो सकता है यहाँ पर WWE उन पर अटैक कराकर हमें कोई इंजरी एंगल दिखा सकती है, या फिर सेथ रॉलिंस हमें एक प्रोमो कट करते हुए दिख सकते हैं जहाँ पर वो बात करेंगे कि आखिरकार क्यों उन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस किया सर्वाइवर सीरीज के पे पर व्यू में। और मेन थिंग तो ये है कि जब सेथ रॉलिंस WWE से ब्रेक ले लेंगे, देन मिस्टीरियो फैमिली एंड बडी मर्फी का क्या होने वाला, क्योंकि वो सब अब एक साथ आ चुके, इसलिए हो सकता है या तो यहाँ पर उनके अगेंस्ट कोई न्यू अपोनेंट आए या फिर आलिया मिस्टीरियो यहाँ पर हमें अलग होते हुए दिख सकते हैं डोमिनिक एंड रे मिस्टीरियो से। इसलिए लेट्स सी और मिस्टीरियो फैमिली के साथ आगे क्या कुछ होता है। इसके अलावा बात की जाए द फ्रिक लार्स सुलेवन के बारे में, तो उनका हमें लास्ट फ्यू वीक से हमें उनका सिर्फ बैक स्टेज इंटरव्यू देखने को मिल रहा है, बट हो सकता है इस वीक के स्मैकडाउन से उनका हमें एक कोई फिक्स अपोनेंट पता चलते हुए दिखे। अब वो होने कौन वाला ये बता पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, या फिर हो सकता है कि अगेन वो हमें किसी पर भी अटैक करते हुए दिख सके। इसके अलावा बात की जाए स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन साशा बैंक्स के बारे में, तो आप सबको पता ही है लास्ट 3 वीक के स्मैकडाउन से हमें कार्मेला अटैक करते हुए दिख रही साशा बैंक्स पर। एंड होपफुली TLC के पेपर व्यू में इन दोनों के बीच हमें मैच देखने को मिलने वाला है स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप के लिए, जो कि इस वीक के स्मैकडाउन में बुक हो सकता है। बट हाँ, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इस बार साशा बैंक्स अपना बदला लेती है कार्मेला से, या फिर कार्मेला उन पर अगेन अटैक करती है। इसके अलावा बात की जाए यूनिवर्सल चैंपियन दी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में, तो जैसा कि सर्वाइवर सीरीज के पेपर व्यू में उन्होंने ड्रू मैकएंटायर को हरा दिया जे उसो की हेल्प से, एंड सभी यही वेट कर रहे हैं कि अब रोमन रेंस के लिए नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्योंकि रोमन रेंस की फ्यूड अभी जिसके भी साथ हो रही है उसे देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तो बात की जाए कि रोमन रेंस के नेक्स्ट अपोनेंट कौन हो सकते हैं, तो इसके काफी ज्यादा चांसेस है कि वो सुपरस्टार डैनियल ब्रायन होने वाले, जो कि रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि उन्होंने लास्ट वीक जे उसो को हराया था। और अपडेट्स ऐसे निकल कर आए थे कि केविन ओवेंस या फिर डैनियल ब्रायन में से कोई होने वाला है रोमन रेंस का नेक्स्ट ओपोनेंट। अब केविन ओवेंस तो देखकर नहीं लग रहे, और आगे चलकर ये भी अपडेट निकल कर आई कि WWE रोमन रेंस एंड डैनियल ब्रायन का फ्यूड जरूर से करवाने वाली है, बट हो सकता है इसे रॉयल रंबल तक होल्ड भी कर ले। इसलिए लेट्स सी अब रोमन रेंस के नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होते हैं। बट हाँ, इसके काफी ज्यादा चांसेस है कि वो सुपरस्टार होने वाले डैनियल ब्रायन, इसलिए हो सकता है कि इस वीक के स्मैकडाउन में हमें डैनियल ब्रायन अटैक करते हुए दिखे रोमन रेंस पर, एंड वो रोमन रेंस के यूनिवर्सल चैंपियनशिप रेस कर बता दे कि वो है नेक्स्ट इस यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। लेकिन गाइज, आप सब मुझे ये कमेंट करके जरूर से बताना कि आप डैनियल ब्रायन को रोमन रेंस का नेक्स्ट ओपोनेंट बनते हुए देखना चाहते हैं या फिर किसी और को। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।